सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन भारत सरकार द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश सरकार FSSAI फोस्टिंग ट्रेनिंग का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गोरखपुर द्वारा किया गया। इस आयोजन के माध्यम से खाद्य पदार्थों के व्यापार से जुड़े हुए सभी छोटे बड़े लगभग 250 से अधिक कारोबारियों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया गया। वहीं खाद्य कारोबारियों को बताया गया कि कैसे अपने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तैयार करें, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करें। इस मौके पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेश मोहन त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो ये चाहता हो कि यार मेरा लॉस हो, तो आप लोग अपना लॉस करने आएंगे यहाँ। आपको FSSAI का फुल फॉर्म बताया, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को जो भी खाद्य ये इंडस्ट्री सभी को रिलेट करता है, ठीक है। स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी आ गए, वो भी आजकल बहुत रिलेटेड, 25 में से 4 आदमी आपके ऐसे होना चाहिए जो कि ट्रेंड हो और सर्टिफाइड है ना। तो आज होटल वाले अगर यहाँ आए ट्रेनिंग के लिए तो क्यों आए, कुछ रीजन मैं जानता हूं। फूड इंडस्ट्री से ही आप लोग? जी सर। बहुत बेसिक चीज है फूड सेफ्टी, ये है कि जो खाना आप स्वयं के कंजम्पशन के लिए बनाते हैं वही आपके कस्टमर के लिए भी हो और उसकी पोषक तत्व उसी सही मात्रा में सही टेम्परेचर में प्रिपेयर किया हो, जाने के फूड सेफ्टी है जो कि खराब खाने कच्चे खाने। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय कुमार गुंजन ने बताया की ओर से FSSAI की ओर से ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें सभी जो खाद्य कारोबारकर्ता जो सभी फूड बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके लिए उनको यहाँ पे आज आमंत्रित किया गया है। इसके लिए टीम बाहर से आई हुई है नई दिल्ली से, और यहाँ हमने 250 जो कारोबारी हैं उनको हम आज प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इस तरह के पिछले 27 सितंबर को भी हमने ये कार्यक्रम कराया था, और ये प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसके माध्यम से सबको फास्टैग प्रशिक्षण का एक रिकॉर्ड मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि इनके कारोबार के लिए अनिवार्य है। इसके बिना इनका लाइसेंस और पंजीकरण रिन्यूअल नहीं होगा। ये अतः इसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये कार्यक्रम संचालित